बड़ा नोट तो लाता रहे। ये मेरा छोटा भाई है, अल्लाह इसको खूब कामयाब करे। और ये और भी ज्यादा बिडार का रंग आए कि इसके साजिंदों को वो सुर ना मिले जो सुर ये लगा के आए। अल्लाह खूब तरक्की दे। ये मेरा भाई शाहरुख की तरफ से सदकाए पंजतन मिला है, बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले एक बार जुनेद भाई के नाम पर तालियां लगाएं आप लोग। एक मिसरे मुझे याद आ रहा है, अगर आप लोग इजाजत दे तो भाई टांग अड़ा दो थोड़ा। ऐसे भी बड़े के बड़े भाई के हक में छोटे का तो बहुत हक होता है। मिसरा क्या था भाई? हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है। तनवीर भाई ये लालू डी में आगर डी में ये इतिहास प्रोग्राम है मेरे ख्याल से। जुनैद भाई मैं जब तक देख रहा हूँ इतनी भीड़ कभी नहीं रही थी। ये सब सरकार का करम है, अगली बार और होगी इंशाल्लाह। क्या हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने, तेरे सरवर को बचाने के लिए बिस्तर पर, तेरे सरवर को बचाने के लिए बिस्तर पर, तेरे सरवर को, तेरे सरवर को बचाने के लिए बिस्तर पर अपने बेटे को सुलाया है अबू तालिब, अपने बेटे को सुलाया है अबू तालिब, अपने बेटे को सुलाया है अबू तालिब। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल में हिम्मत आ जाती है, नाम अली का ले लेता हूं, जिस्म में ताकत आ जाती है। जिक्र हुसैन को सुनकर मेरे दिल में हिम्मत आ जाती है, ये नाम अली का ले लेता हूं, जिस्म में ताकत आ जाती है। फातिमा जहरा, अली, नबी, हसन, हुसैन का इसमें गिरामी। दरवाजे पे लिख देता हूँ घर में बरकत आ जाती है, दरवाजे पे लिख देता हूँ घर में बरकत आ जाती है, दरवाजे पे लिख देता हूँ घर में बरकत आ जाती है, दरवाजे पे घर में बरकत आ जाती है, दरवाजे पे लिख देता हूँ घर में बरकत आ जाती है। समझो सरकार, मेरे जितने बड़े बैठे हैं, मतलब एक 1:40 हुआ है, 2 बजे कलाम मुकम्मल, और ज्यादा टाइम हो जाए हाथ दे देना भाई, रोक दो जुने सुल्तानी साहब, रुक जाइए। सुनिए, अली वो है, वो है अली, वो है अली, वो है अली, वो है अली, जिस पर बड़ाई नाज करती है, अली वो है। अली वो है अली, जिस पर बड़ाई नाज करती है। मिसरे देखना साहब, अली वो है अली, जिस पर बड़ाई नाज करती है। इसका मतलब समझते हो जो मैं कह रहा हूं? ये इसका मतलब होता है हम तुम्हारे साथ हैं, ये जो इशारा होता है। अली वो है अली, जिस पर क्यों मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो, मसलक समझ में आए तो फिर खुल के बात हो, हम तो अली के साथ हैं तुम किसके साथ हो, हम तो अली के साथ हैं तुम किसके साथ हो, अली के साथ हैं तुम किसके साथ हो। नबी करीम ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस हुए तो सहाबा इकराम ने पूछा कि हुजूर वहां क्या हुआ, क्या देखा, क्या सुना, क्या मिला, जरा कुछ बताइए। तो नबी करीम ने जो जो कुछ था बताना बताया, तो सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर
साहबा इकराम फरमाते हैं कि सरकार ये बताएं कि अल्लाह बात भी करता है, तो सरकार मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाते हैं कि हाँ अल्लाह बात भी करता है। तो साहबा हैरान हुए और पूछा कि मालिक ये बताइए, सरकार ये बताएं, हुजूर ये बताइए कि अगर अल्लाह बात करता है तो अल्लाह की आवाज़ कैसी है। तो खुदा की कसम नबी करीम फरमाते हैं कि अल्लाह की आवाज़ अली की आवाज़ की तरह है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हवाले है, जिन लोगों ने पढ़ा है इस चीज़ को, यहाँ काबिल लोग बैठे हैं जिन्होंने सुना है पढ़ा है, क्योंकि ये महफिल जो है हुजूर गौस पाक गरीब नवाज के सिलसिले वालों की महफिल है, कादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी अबुल उलाई और जितने भी सिलसिले हैं, सारे सिलसिले मौलाए कायनात से मिलते हैं जाकर के। अब जरा मुलाहिज़ा फरमाएं, तो जब ये मकाम आया, अली वो है अली जिस पर बड़ाई नाज करती है, अबू तालिब के बेटे पर खुदाई नाज करती है, अबू तालिब के बेटे पर खुदाई नाज करती है, अबू तालिब के अली जो शख्स है दरी महफिल में आ नहीं सकता, जो शख्स है दरी महफिल में आ नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, इजाजत अगर नहीं दे तो, अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो, अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। अली अली दम 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 अली अली दम 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 अली अली सकता, अबू तालिब के बेटे पर खुदाई आज करती है, अबू तालिब के बेटे पर खुदाई आज करती है, अबू तालिब के बेटे पर खुदाई आज करती है, अबू तालिब के बेटे पर भी खुदाई नाज करती है और अबू तालिब के पोते पर भी खुदाई नाज करती है और अबू तालिब के भतीजे पर भी खुदाई नाज करती है। भतीजे कौन? नबी करीम जिनके हम उम्मती, जिनके सदके में कायनात बनी। बेटे कौन? मौला अली मुश्किल कुशा। पोते कौन? इमाम हुसैन इमाम हसन। क्या बात है यार, जीते रहो यार, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम की पहचान है कि जो आपके मुंह से जुमले निकलते हैं। जरा पढ़िए, नारा हैदरी। इस नाम से टल जाती है मुश्किल बड़ी बड़ी, इस नाम से टल जाती है मुश्किल बड़ी बड़ी, इस नाम से टल जाती है मुश्किल बड़ी बड़ी। पांच नारे पंजे तन के एक नारा अबू तालिब के बेटे पर खुदाई आज करती है, शुक्रिया। अबू तालिब के बेटे पर खुदाई आज करती है, अबू तालिब के बेटे पर खुदाई आज करती है। आज आज मेरा सीना चौड़ा है।
आज मैं किसी ऐसे वैसे में नहीं, हुसैन वालों में पढ़ा। बाजी भाईजान, खुदा का शुक्र मिश्रा ऐसा पढ़ने जा रहा हूं। शाहरुख मेरी जान, हाँ मेरी जान, मिश्रा ऐसा पढ़ने जा रहा हूं। सुन यार इधर देख, इनको तो तू बार बार देखता है, आज उनको भी देखने दे, पैसे लेने इनसे मुझे। बाजी मिश्रा तनवीर, मैं ये नहीं कहूंगा ये हाथ उठाएं या पंजा दिखाएं, इनके दिल में ये अकीदत होगी तो ये हाथ उठाएंगे, क्योंकि वो सबूत है। हम हाथ पता है क्यों उठवाते हैं? आप सोचते होंगे यार हर बात में हाथ उठाओ हाथ उठाओ, क्या ये हाथ उठाना चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि ये पांच उंगलियों से कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजतनी है। ये मसला सिर्फ इतना सा है, क्योंकि हम आपसे 10 रुपए थोड़ी मांग रहे हैं यार, आपकी मर्जी हो रही है, आपका दिल खुश हो रहा है, आपके मालिक का नाम ले रहे हैं आप हमें दे रहे हो, कोई पैसे थोड़ी मांग रहे हैं। उसमें भी लोग कुछ कुछ ऐसे होते हैं बाबा, कुछ ऐसे बैठे होते हैं, मौला सलामत रखे, ये हकीकत है, याद रखना इसको। कोई पूछे कि आप हाथ क्यों उठाते हैं भाई बार बार, कहना साहब हमारी हमारी मजबूरी है कि हम जिनका खाते हैं उनका गाते हैं। बता देना कि हम हाथ इसलिए उठा के बता देते हैं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह के हम, बोलो बोलो बिल्कुल बेफिक्री से बोलो, कौन है आप भाई? हर 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 कोई जिसका वाला होता है उसका नाम लेता है, हम पंजतनी है तो हम बताएंगे हम पंजतनी है, क्यों ना बताएं भाई। अब सुनिए, दो मिसरे पढ़ना मेरी जिम्मेदारी, हाथ उठा करके अपने ईमान से, नहीं अभी नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं आपसे हाथ उठाए, आपका ईमान गवाही दे तो उठाना, आपका ईमान गवाही दे, खुदा की कसम इतना बड़ा जुमला बोल रहा हूं मैं इतने बड़े मजमे में। खुदा का शुक्र शहे मशरिकैन वाले हैं, खाली दो लाइनें, खुदा का शुक्र शहे मशरिकैन वाले हैं, ये जितने बैठे हैं सारे हुसैन वाले हैं। बस मेरी मगफिरत का सामान ये है, क्योंकि आप गवाह नहीं आज की रात, मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं किस किस के नाम ले रहा हूं, वो गवाह बन जाए तो मेरी नस्लें संवर जाएंगी। खुदा का शुक्र शहे मशरिकैन वाले हैं मौला, खुदा का शुक्र शहे मशरिकैन वाले हैं, ये जितने बैठे हैं सारे हुसैन वाले, ये जितने, अब आप खुद बताएंगे किसके वाले, ये जितने बैठे हैं सारे हुसैन वाले, ये जितने बैठे हैं सारे हुसैन वाले, ये जितने बैठे हैं सारे हुसैन वाले। इसलिए तो कहा क्या, शय बदलती नहीं तासीर बदल जाती है, शय बदलती नहीं तासीर बदल जाती है, या अली कहते ही तकदीर बदल जाती है। नोट तो लाता रहे, ये मेरा छोटा भाई है, अल्लाह इसको खूब कामयाब करे, और ये और भी ज्यादा बिडार का रंग आए, किसके साजिंदों को वो सुर ना मिले जो सुर ये लगा के आए, अल्लाह खूब तरक्की दे। ये मेरा भाई शाहरुख की तरफ से सदकाए पंजतन मिला है, बहुत शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले एक बार जुनेद भाई के नाम पर तालियां लगाएं आप लोग। एक मिसरे मुझे याद आ रहा है, अगर आप लोग इजाजत दे तो भाई टांग अड़ा दू थोड़ा, ऐसे भी बड़े के बड़े भाई के हक में छोटे का तो बहुत हक होता है। मिश्रा क्या था भाई, हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने, तनवीर भाई ये लालू डी में आगर डी में, सॉरी आगर डी में ये इतिहास प्रोग्राम है मेरे ख्याल से। जुनैद भाई मैं जब तक देख रहा हूँ इतनी भीड़ कभी नहीं रही थी, ये सब सरकार का करम है।
अगली बार और होगी इंशाल्लाह। क्या हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने, पहला मिलाद मनाया है अबू तालिब ने, तेरे सरवर को बचाने के लिए बिस्तर पर, तेरे सरवर को बचाने के लिए बिस्तर पर, तेरे सरवर को, तेरे सरवर को बचाने के लिए बिस्तर पर अपने बेटे को सुलाया है अबू तालिब, अपने बेटे को सुलाया है अबू तालिब, अपने बेटे को सुलाया है अबू तालिब। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बेटे को सुलाया है अबू तालिब ने। नबी करीम के पीछे जब दुश्मन पड़े हुजूर, जब मेरे सरकार के पीछे दुश्मन पड़े कि ये कौन है जो आया है, क्योंकि उनकी तो आमद से ही पता चल गया था ना। दोस्तों मेरे भाई, सरकार की आमद से पता चल गया था कि कौन आया है। नबूवत नाश करती है वो सीरत है मोहम्मद की, नबूवत नाश करती है वो सीरत है मोहम्मद की, खुदा जिस पे हुआ शैदा वो सूरत है मोहम्मद की। हर गम छट जाने वाले हैं, मोहम्मद आने वाले हैं। अल्लाह मेरा गवाह, आज मैं कितने मूड में हूं मेरा रब जानता है, और अल्लाह ताला इस हाजिरी को यहां भी कबूल फरमाए और वहां भी कबूल फरमाए। पहला मीलाद मनाया है अबू तालिब ने, हक का पैगाम सुनाया है अबू तालिब ने, तेरे सरवर को बचाने के लिए बिस्तर पर, किसके, तेरे अल्लाह के महबूब को बचाने के लिए, क्योंकि जब नबी करीम के पीछे दुश्मन पड़ गए तो सरकारे दो आलम को, हजरत अबू तालिब अपने भतीजे को रात को कभी इधर लिटाल देते थे, कभी उधर लिटाल देते थे, कभी इधर, तो नबी करीम पूछते हैं, चचा जान ये बताइए आप रात भर मुझे यहां से वहां, वहां से वहां क्यों करते रहते हैं, कुर्बान हो जाऊं उस जात के। फरमाते हैं, बेटे जान आपको नहीं पता दुश्मन आपकी फिराक में फिर रहे हैं, मैं ये सोचता हूं कि दुश्मन इधर से वार ना कर दे, इधर से वार ना कर दे, तो मैं अपने अली की जगह तुम्हें इसलिए लिटाल देता हूं कि अल्लाह ना करे कोई तुम पे हादसा हो तो वो मेरे अली पे आए। उस जात का नाम हजरत अबू तालिब है कि जिसने अपने अली की फिक्र ना करके अपने मोहम्मद की फिक्र करी कि मेरा मोहम्मद बच जाए। तो खुदा की कसम ऐसे मरातिब नहीं मिलता है। तो नबी को बचाया अबू तालिब ने, और अल्लाह ने अबू तालिब के बेटे को मुश्किल कुशा बना दिया दुनिया का, कि दुनिया की मुश्किल कुशाई कर रहा है अली। इसलिए कहा क्या, तेरे सरवर को बचाने के लिए बिस्तर पर अपने बेटे को लिटाया है अबू तालिब ने, अपने बेटे को सुलाया है अबू तालिब ने, अपने बेटे को सुलाया है अबू तालिब ने, अपने बेटे को सुलाया है अबू तालिब ने, जिसकी नालैन ने है अर्श को जीनत बख्शी, जिसकी नालैन ने है अर्श को जीनत बख्शी, उसको चलना भी सिखाया है अबू तालिब ने, उसको चलना भी सिखाया है अबू तालिब ने, उसको चलना भी सिखाया है अबू तालिब ने, उसको चलना भी सिखाया है अबू तालिब ने। तो अब शेर मलेदा फरमाए, जिस घड़ी मैदान में आका का कुनबा आ गया, बेटा चंग दुंग दुंग क्वां, जिस घड़ी मैदान में आका का कुनबा आ गया, शाम का हाकिम ये बोला लोगों खतरा आ गया, इसको कहते हैं वफादारी नबी की आल से, इसको कहते हैं वफादारी नबी की आल से, हजरत अब्बास का घोड़ा भी प्यासा आ गया, हजरत अब्बास का घोड़ा भी प्यासा आ गया, इसको कहते हैं वफादारी नबी की आल से, हजरत अब्बास का घोड़ा भी प्यासा आ गया, गैज में अब्बास को जैनब ने रोका था मगर, गैज में अब्बास को जैनब ने रोका था मगर, कौन रोकेगा अगर ज़ैनब को गुस्सा आ गया, कौन रोकेगा अगर ज़ैनब को गुस्सा आ गया, हे वो अबू सुफियान का पोता मिटा देता जब
बेचे दिलेरी पर अली के चारपाई नाज कर दी शेर सुनिए तंग 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 को अपने कांधों पर चढ़ाकर यूं नबी बोले अली को अपने कांधों पर चढ़ाकर यूं नबी बोले मेरे भाई अली पर ये रसाई नाज कर दी से अल्लाह ने भेजी अली के हाथ में वो तेग आई नाज कर दी अली कलाम दूसरे का मगर शेर ये हुआ हर एक मुश्किल का सीना चीर कर रख देगी एक पल में हर एक मुश्किल का सीना चाक करके रख देगी एक पल में चल जाएगी तलवार बोलाऊं क्या अली को तो ये वही मफहूम है क्या अली के हाथ में तुम्हें जो तेग आई नाज कर दी अली के हाथ शाहरुख ये भी शेर सुन ये 2024 का वो आइटम है जिसकी इब्तिदा मैंने इस महफिल से करी है क्योंकि यहां सब अली वाले हुसैन वाले नबी वाले बैठे भाई हाँ भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं क्या तो आवाज दो नारा हैदरी हजरत तवज्जो चाहूंगा इस शेर पर अली के बेटे ने फैजान शेर सुन अली के बेटे ने दरिया पे जाकर के अलम गाड़ा सुभान अल्लाह क्या कहने वाह 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 यार सुभान अल्लाह झूम गया सुभान अल्लाह अली के बेटे ने दरिया पे जाकर के अलम गाड़ा
या खुदा घर से जब कदम निकले, या खुदा घर से जब कदम निकले करबला जाके मेरा दम निकले। सुभान अल्लाह। या खुदा घर से जब कदम निकले करबला जाके मेरा दम निकले, और अपने बच्चों की जिंदगी मांगो जब भी अब्बास के अलम निकले। अली अली के बेटे ने दरिया पे जा करके अलम गाड़ा, मेरे अब्बास मेरे अब्बास मेरे अब्बा मेरे अब्बा सुपे परचम कुशाई नाज कर दी, मेरे अब्बा सुपे परचम कुशाई नाज कर दी, मेरे अब्बा सुपे परचम कुशाई नाज कर दी। इसलिए दोस्तों दुनिया का वफादार हूँ मैं, इसलिए दोस्तों दुनिया का वफादार हूँ नबी का जो भी दुश्मन है वफादार हो नहीं सकता, नबी का जो भी दुश्मन है वफादार हो नहीं सकता, अली का चाहने वाला जो है वो गद्दार हो नहीं सकता। तो मेरे अब्बास मेरे अब्बास पे परचम कुशाई नाज कर दी, और खुदा की कसम जितने मोमिन खड़े हैं जितने हुसैनी खड़े हैं मचल जाएंगे शेर सुन करके। नारे हैदरी, बस हो गया काम। पड़ा जब दीन मुश्किल में, पड़ा जब दीन मुश्किल में, पड़ा जब दीन मुश्किल में तो सर दे कर बचाया दीन, पड़ा जब दीन मुश्किल में तो सर देकर तो घर देकर तो सब देकर बचाया दीन। अली के बच्चों अली के बच्चों पे मुश्किल कुशाई नाज कर दी, अली के बच्चों पे मुश्किल कुशाई नाज कर दी, आप कहूंगा आला लैलान हाथ उठा करके बोलो। बाबा ने पहले ही बोल दिया मौला सलामत। बाबा जान मैं चाहूंगा कि आप खड़े होकर के नारा लगाएं, बैठ करके ना लगाएं। अब मौला सलामत एक मिनट को चाहता हूं मैं, क्योंकि एक मिनट खड़े होकर के नारा लगाएं आप। नारा माला सलामत रखे। अली के बच्चों पे मुश्किल कुशाई नाज कर दी, अली के शाहरुख वो कौन थे जिन्होंने 2000 दिए थे, 2000 रुपए दिए थे, कहाँ गए वो? मतलब तूने खुद रख लिए 2000। मगर सुनो मसला 2000 का पता है क्यों याद आया? मुझे एक शेर याद आ गया। जब भी एक नोट, मैं इस नोट की तौहीन नहीं कर रहा हूँ साहब, कोई भी इस ना समझे मैं तौहीन कर रहा हूँ, मैं आपको बात समझा रहा हूँ। जब भी एक नोट कहीं पर कभी गिर जाता है, जब भी एक नोट कहीं पर कभी गिर जाता है, जिसका गिरता है बड़ी देर तक पछताता है। मेले में गया था, सोच रहा था कि 10 रुपये का कुछ ले लूँगा, वो भी गिर पड़ा। मगर अब हुसैनियों का आलम देखें,
जब भी एक नोट कहीं पर कभी गिर जाता है, जिसका गिरता है बड़ी देर तक पछताता है, और जाने क्या बात है, शब्बीर तेरे लंगर में जितना भी खर्च करें उतना मजा आता है, जाने क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मौला, सलामत रखे। जाने क्या बात है शब्बीर तेरे लंगर में जितना भी खर्च करें उतना मजा, क्योंकि हम हैं सुन्नी, हमको तो ये दोनों चीज कबूल, हम हैं DTS टनाटन सुन्नी, हमारे पापा शेर पढ़ते थे ये, हम हैं सुन्नी हमको तो ये दोनों चीज कबूल, चाहे खिचड़ा हो या खीर, बड़े पीर दस्तगीर। तो भाई हम तो मुहर्रम में खिचड़ा भी बनाएंगे और गौस पाक की 11वीं में खीर भी बनाएंगे और उनकी नजरों नियाज इंशाल्लाह दिलाते रहेंगे। क्या एक एक मेरा कलाम बड़ा हिट हुआ, उसमें मैंने एक शेर पढ़ा है, दुरूदों की महफिल सजाते रहेंगे छठी 11वीं हम मनाते रहेंगे, खुदा या उन्हें भी दुआशिक बना दे, बुजुर्गों से जिनको मोहब्बत नहीं है, अली के बच्चों अली। बेटा किससे से बताया कर, मेरे दिल पे चोट लगती है, मेरा मेरा ही मैटर बजाया कर, अली के बच्चों अली के बच्चों, चुपे मुश्किल कुशाई नाज कर दी, अली के बच्चों के मुश्किल कुशाई नाज कर दी, अली के बच्चों के मुश्किल कुशाई नाज कर दी, अली के कायनात को खुदा कहा, नुसैरियों ने मौला अली को खुदा कहा। अब उनसे पूछिए कि जिन्होंने खुदा कहा, रसूल के मुंह से सुना कहा, क्या मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला। हजरा शेर मिलाया फरमाए मख्ते का, जनाब अमीन गुमनामी चिश्ती निजामी खानकाए गुमनामिया चिश्तिया निजामिया नागदा जंक्शन से अपने मख्ते में फरमा रहे हैं, क्या खुदा ने तो, खुदा तो है नहीं लेकिन अमीर ये बात भी हक है, नुसैरी के खुदा पर किबरियाई नाज कर दी, नुसैरी के खुदा पर किबरियाई नाज कर दी, किबरियाई नाज कर दी। अबू तालिब के बेटे पर खुदाई, खुदाई तो नाज करती है, हम सब नाज करते हैं या नहीं करते हैं, कितना करते हैं हाथ उठा करके बताइए, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हसन, हक हसन, हक हसन, या अब्बास, या अब्बास, हो अबू तालिब के, अबू तालिब, अबू तालिब के बच्चों पर खुदाई नाज कर दी, अबू तालिब के बच्चों पर खुदाई नाज कर दी।
सुभान अल्लाह।